हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन है। एक नोटबुक का मूल्य एक पेन के मूल्य से 80% अधिक है। तो सबसे पहले हम पेन का मूल्य मान लेते हैं। पेन का मूल्य ₹1 है, तो नोटबुक का मूल्य क्या हो जाएगा? इसलिए नोटबुक का मूल्य हो जाएगा x प्लस 80% ऑफ x, 80/100, यानी x प्लस 8x/10, यानी 18x/10, क्योंकि 80% अधिक है नोटबुक का मूल्य। अब कह रहा है 5 नोटबुक और 8 पेन का मूल्य, तो 5 नोटबुक का हमने माना है 18x/10 प्लस 8 पेन, 8×x, ये दे रहा है 13 पेन, 13×x प्लस 2 नोटबुक, 2×18x/10 से 6 अधिक है। ये वाला इससे 6 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें 6 जोड़ना होगा। ओके, अब इसको हम सरल करते हैं। तो इस 13 को ये हो गया हमारे पास 18×5 90, 90x/10 प्लस 8x बराबर हो जाएगा 13x प्लस 18×36x/10 प्लस 6। अब क्या करें, हम यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। तो 10×8 80, 80 और 90 हो गई 9×8 70, 170/10 बराबर 130, 130 और 36 हो गई हमारी 166, ये 10 और 13 हो जाएंगे 130 और 36 हो गई 166, x/10 प्लस 6। अब हम इसको इधर लाएंगे, तो 170/10 माइनस 166 x/10 बराबर हो जाएगा 6, और इसको 170 में से 66 गई तो 4x/10 बराबर हो जाएगा 6। दो से काट देंगे 2×2 4, 2×3 6, और 2 से काट देंगे 5 बार, तो x/5 बराबर आ जाएगा 3, यानी x बराबर ₹15। यानी पेन की जो कीमत आ गई वो ₹15 आ गई, और नोटबुक की कीमत जो आ गई, नोटबुक की कीमत आ जाएगी 18x/10, यानी 18×5/10, 5×2 10, 2×9 18, ₹9। तो नोटबुक की कीमत ₹9 और पेन की कीमत हमारे पास आ जाएगी, ये 18x+10, तो 5×2 10, 2×9 18 और 3×5 15। यहाँ हमें 15 का गुणा करना था, तो 5 का कर दिया गलती से, तो यहाँ पे 5×3 15 और 5×2 10, 2 से कट जाएगा 9×9 27 आएगा, नोटबुक की कीमत ₹27। तो इस तरह से हमने पेन की कीमत प्राप्त की ₹15 और नोटबुक की कीमत ₹27। पूछ रहा है हमें कि 4 नोटबुक और 3 पेन और 4 नोटबुक का मूल्य क्या होगा। तो 3 पेन, 3×, इसकी कीमत ₹15 है पेन की, और 4 नोटबुक हैं, नोटबुक की कीमत है ₹27। तो कुल कीमत हो गई, कुल कीमत 3 पेन और 4 नोटबुक की 15×45 और 4×7 28, 4×2 8, 8×2 10, 108, और इसको ऐड करेंगे तो एक जाएगा 108+45 ₹153। तो इसका आंसर हुआ ₹153, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यहाँ गलती से 5 लग गया था 15 की जगह पे, तो इसके लिए खेद है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।